आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर। अब आपको सबसे चौंकाने वाली तस्वीर अब दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर भारत के राज्य पंजाब के शहर अमृतसर में स्थित सिखों के सबसे महत्वपूर्ण धर्म स्थलों में से एक स्वर्ण मंदिर से आई है, जहां आरोपों के मुताबिक एक लड़की को सिर्फ इसलिए प्रवेश देने से मना कर दिया गया क्योंकि उसके चेहरे पर तिरंगे का एक टैटू बना हुआ था। जी हां, ऐसे आरोप लगे हैं। ये लड़की जिसके चेहरे पर तिरंगे का टैटू बना हुआ था, आरोपों के मुताबिक इस लड़की को यहां पर प्रवेश गोल्डन टेंपल में सिर्फ इसलिए प्रवेश देने से मना कर दिया क्योंकि उसके चेहरे पर भारत का इस तरह का तिरंगे का टैटू बना हुआ था, तिरंगा बना हुआ था। प्रवेश देने से मना किए जाने के बाद जब उस लड़की और उसके घर वालों ने उसे रोकने वाले SGPC के वॉलंटियर से सफाई मांगी कि क्यों भाई, क्यों नहीं जाने देंगे, उसे पूछा कि क्या ये इंडिया नहीं है, उसने जानते हैं क्या कहा, उसने कहा नहीं ये इंडिया नहीं, पंजाब है। उसे दोबारा पूछा गया कि क्या ये इंडिया नहीं है, उसने एक बार फिर से कहा नहीं। पहले ना आप ये हैरान कर देने वाला वीडियो आराम से देखिए, तफसील से देखिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये वीडियो आज आपको हैरान कर देगा। गुड़िया को अंदर जाने दे रो, क्या क्या कारण है? ये फ्लैश आउट नहीं, क्यों नहीं, इंडिया नहीं आए, ये पंजाब भाई साहब, इंडिया नहीं आए। हाँ, करिए रिकॉर्डिंग, करिए रिकॉर्डिंग, इसे क्या था? नहीं मैं पूछो, इंडिया नहीं। आप भाई साहब कुछ गुड़िया को अंदर जाने दे रो, क्या क्या कारण है? ये फ्लैश आउट नहीं, क्यों नहीं, इंडिया नहीं आए, ये पंजाब भाई साहब, इंडिया नहीं आए। हाँ, करिए रिकॉर्डिंग, करिए रिकॉर्डिंग, इसे क्या था? नहीं मैं पूछो, इंडिया नहीं। आप भाई साहब कुछ, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सवाल ये कि स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहब भी कहते हैं वो पंजाब में है, पंजाब भारत में है, फिर भी चेहरे पर लगा भारत का तिरंगा नो एंट्री की वजह कैसे बन सकता है? सेवादार की सोच पर सवाल उठे। आप जानते हैं पर्यटक जब भी पंजाब घूमने आते हैं तो वो अक्सर पहले वाघा बॉर्डर जाते हैं, कई पर्यटक वहां अपने चेहरों पर भारत का तिरंगा भी बनवाते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। दो तस्वीरें हैं वाघा के बाद, कई बार ये देखिए वाघा बॉर्डर पर कई बार जो लोग जाते हैं वहां पर चेहरे पर तिरंगा बनाते हैं, और करीब करीब ऐसा ही तिरंगा चेहरे पर बनवाया जाता है। वाघा से लोग अक्सर शाम को हरमिंदर साहिब मत्था टेकने पहुंचते हैं स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल। अब सवाल यह कि अगर पंजाब घूमने आए बहुत सारे लोग चेहरे पर तिरंगे के टैटू के साथ स्वर्ण मंदिर जाते होंगे तो क्या सबको ऐसे ही रोक दिया जाता होगा, या फिर पंजाब में पिछले दिनों जो कुछ हुआ ये उस सब का नतीजा है? हमें शंका क्यों है इसकी हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस मामले पर जो सफाई आई है ना, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सफाई भी सुन लीजिए, उनका पक्ष। अपनी सफाई में SGPC के महासचिव गुरुचरण सिंह गिरेवाल ने कहा कि लड़की के चेहरे पर बने तिरंगे में, जो तिरंगा था लड़की के चेहरे पर, हम आपको लगातार ये जो चेहरे पर तिरंगा, उसमें अशोक चक्र नहीं था, ये किसी राजनीतिक पार्टी का भी हो सकता था, इसलिए शायद सेवादार पहरेदार ने ऐसा किया हो, ये SGPC ने सफाई में कहा। SGPC ने इस मामले में भी माफी भी मांगी है और देश के लिए सिखों की कुर्बानियों को भी याद दिलाया है। सफाई सुन लीजिए। हमारे वहां के अधिकारी से कोई मिसबिहेव हुआ है उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं, लेकिन यहाँ एक मर्यादा है, उस मर्यादा में जो बच्चे के कोई झंडा बना हुआ था वो राष्ट्रीय झंडा नहीं था, वो कांग्रेस का झंडा भी हो सकता है, वो किसी और कई तरह की यहाँ से पार्टी उनका भी हो सकता है, इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए सवाल यह है कि भाई अगर तिरंगे को लेकर कंफ्यूजन का मामला था कि नहीं समझ में आया कि तिरंगा, वैसे तो तिरंगा हर कोई समझ पा रहा है, उनका कहना है कि अशोक चक्र नहीं था जैसा कि सफाई में कहा जा रहा है, तो ये इंडिया नहीं है पंजाब है वाली बात कहां से आ गई, ये बात कहां से आ गई? सवाल ये कि क्या सिर्फ सफाई से काम चल सकता है? जवाब है कि सफाई काफी नहीं है। हमें लगता है जिस सेवादार ने तिरंगे के साथ गुरुद्वारे में प्रवेश देने से मना किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें लगता है उनके शब्द हैं ये इंडिया नहीं ये पंजाब है, ये उनके शब्द हैं वीडियो में, ये जो चेहरा भी इनका नजर आ रहा है ये कह रहे हैं कि नहीं ये इंडिया नहीं ये पंजाब है, ये जो कह रहे हैं इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए हमें लगता है, क्योंकि ये भारत के तिरंगे का अपमान है, वो तिरंगा जिसकी रक्षा के लिए भारत के सिख आज से नहीं सदियों से कुर्बानियां देते आए हैं। सबसे देशभक्त कौम है सिख, इसलिए आज आपको जानना चाहिए जिस पंजाब को आज मुट्ठी भर कुछ चंद हैं
ऐसा नहीं है सब है, चंद कुछ मुट्ठी भर लोग ना ये भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर रहे हैं। कुछ लोगों की सोच हो सकती है, वो पंजाब, दरअसल पंजाब और उसकी जमीन पर जन्म लेने वाले देशभक्त सिख कैसे बरसों से भारत की आन बान शान रहे हैं और कैसे भारत की आबादी में 2% से भी कम की हिस्सेदारी रखने वाले इन सिखों ने समय समय पर भारत की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी हैं। उनकी कुर्बानियों पर पलीता लगाते हैं ऐसे लोग, दुश्मनों को धूल चटाई और हिंदुओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए सिख हिंद की चादर कहलाए। आज आपको याद दिलाते हैं 1971 में ना जो पाकिस्तानी सेना सुबह का नाश्ता जैसलमेर, दोपहर का जोधपुर में और रात का दिल्ली में करना चाहती थी ना, उस पाकिस्तानी सेना के हजारों जवानों को लोंगेवाला की लड़ाई में एक सिख ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी और पंजाब रेजिमेंट के उनके सिर्फ 120 जवानों ने ऐसी धूल चटाई थी कि पाकिस्तान आज भी उस हार का स्वाद नहीं भूला है। 1971 में ही एक सिख जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी से सरेंडर के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए थे। वो लम्हा था जब पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के आगे हथियार डाल दिए थे। 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना को देखते हुए एक सिख लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह को बॉर्डर छोड़कर ब्यास नदी से पीछे जाने के लिए कह दिया गया, तब ना तो उन्होंने मैदान छोड़ा और ना ही अपने जवानों को ऐसा करने दिया। नतीजा यह हुआ कि 1965 के युद्ध में पंजाब भारत की ऐसी तलवार बन गया जिसने पाकिस्तान को छलनी कर दिया। हर कोई जानता है सारागढ़ी की लड़ाई, 1897 का सारागढ़ी युद्ध आज भी युद्धों के इतिहास में पराक्रम की पराकाष्ठा माना जाता है। 12 सितंबर 1897 को सिर्फ 21 सिख ईशर सिंह के नेतृत्व में 10,000 से 12,000 अफगान आक्रमणकारियों के सामने खड़े हुए, भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन इन वीर सिखों ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। इन सिखों ने सवा लाख से एक लड़ाऊं वाली गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी को चरितार्थ कर दिया था। थोड़ा और पीछे चलते हैं, आज से करीब 250 साल पहले भारत की इसी जमीन पर एक ऐसा सिख महाराजा हुआ जिन्होंने अपनी सरहदों का विस्तार अफगानिस्तान तक कर लिया था। जब तक ये महाराजा जिंदा थे भारत पर आक्रमण करने वालों को हर बार शिकस्त मिली। उस महाराजा का नाम था रणजीत सिंह, जिनकी राजधानी थी लाहौर। और पीछे लेकर चलेंगे तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी याद आएगी, जिन्होंने औरंगजेब के हाथों भारत के हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी शीश कटा दिया था। लेकिन एक क्रूर आक्रमणकारियों के सामने देश को नहीं झुकने दिया, इसलिए वो हिंद की चादर कहलाते थे। ये तो सिर्फ कुछ वीर सिखों की कहानियां हैं, ऐसे न जाने कितने जाबाज सिख रहे हैं जो इस मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए, भारत के मान के लिए हंसते हंसते खुद को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। इन सब कहानियों के केंद्र में सिख और भारत, वो भारत जिसका हिस्सा है पंजाब, वो पंजाब जो सिख धर्म की जन्मस्थली है, उस सिख धर्म की जन्मस्थली जिसकी सिख में शामिल है मातृभूमि के लिए अपनी प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा छिपी है, वो सिख धर्म जिसके मूल मंत्र की शुरुआत एकोंकार से होती है जो बताता है कि ईश्वर एक है और जिसका सब में वास है, वो सिख धर्म जिसके गुरुओं ने, जिसके अनुयायियों ने अपनी मातृभूमि को हमेशा अपनी जान से बढ़कर चाहा। आज कुछ लोग, हम फिर से वही कहेंगे, कुछ लोग, कुछ गिने चुने, कुछ मुट्ठी भर लोग उसी पवित्र सिख धर्म और उसमें विश्वास रखने वालों को अपनी अलगाववादी सोच से बदनाम कर रहे हैं। कुछ हैं, ये चंद हैं, और इसकी वजह से ना पिछले कुछ महीनों में ना इन अलगाववादियों को पंजाब के अंदर और बाहर से मिली शह। अमृतपाल के मामले में क्या हुआ था, सबने देखा था ना, पंजाब पुलिस को अभी अमृतपाल की तस्वीरें मिल रही हैं, लेकिन वो अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया है। सवाल है कि क्या वही पंजाब पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेगी जिसने तिरंगे के टैटू के साथ, वो तस्वीरें दिखाई है जो लड़की वाली तस्वीर और जो सेवादार, जिसने तिरंगे के टैटू के साथ एक लड़की को गुरुद्वारे में नहीं घुसने दिया। क्या पंजाब पुलिस एक्शन लेगी, क्या पंजाब पुलिस इस मामले में वैसी ही सक्रियता दिखाएगी जैसी उसने कई मामलों में दिखाई है, जब पंजाब से उठकर दिल्ली पुलिस, मतलब पंजाब पुलिस यहां दिल्ली तक आ गई थी कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, वो सारी तस्वीरें याद है ना आपको, कुछ लोगों के घर पहुंच गई थी। स्वर्ण मंदिर में जिस लड़की को चेहरे पर तिरंगा होने की वजह से प्रवेश नहीं दिया गया, कहा जा रहा है कि वो भी सिख थी। जी हाँ, वो लड़की जब सेवादार से सफाई मांगने पहुंची तो ये पंजाब है इंडिया नहीं कहने पर जब लड़की ने सेवादार से सफाई मांगी तो उसका फोन तक छीनने की कोशिश हुई। हम फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं,
सवाल ये कि ऐसा करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ क्या पंजाब सरकार कोई कार्रवाई करेगी, क्या करनी चाहिए।